खबर यूपी के अयोध्या जिले से है, जहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने राम मंदिर पर बयान देते हुए कहा कि राम का काम तो होकर रहेगा। वहीं उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र में भक्ति धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि राम का काम करना है और सभी को मिलकर करना है, क्योंकि सभी में राम है, सभी आत्मा राम है। भागवत के इस बयान पर अयोध्या के संतों की प्रक्रिया सामने आना शुरू होने लगी है। वही अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत स्वामी परमहंस दास ने मोहन भागवत के एक बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया कि राम का नाम भी जपा जाए, राम काज भी किया जाए। महंत स्वामी परमहंस दास ने बीजेपी से की मांग, घोषणा पत्र में संवैधानिक दायरे में राम मंदिर निर्माण की किया था वादा। प्रचंड बहुमत से बन रही सरकार, बीजेपी अपना वादा पूरा करे, राम जी के चरित्र को पाठ्यक्रम में किया जाए अनिवार्य, तभी भारत बनेगा विश्व गुरु। महाराज, मोहन भागवत ने अपने एक उसमें कहा है कि राम का नाम ही नहीं जपना है, राम का काम भी करना है और भारत विश्वगुरु बनेगा। लेकिन भारत विश्वगुरु की महाशक्ति एक अलग तरीके से होगी, अनोखी, जिसमें उन्होंने ताकत की बात की है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु होना चाहिए। मोहन भागवत जी के बयान बहुत ही सुंदर रहा और मोहन भागवत जी का जो बयान राम काज के लिए है, ये सराहनीय है। उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद मैं देता हूँ। मोहन भागवत जी ने ये कहा है, मैं टीवी में सुन रहा था, बापू जी भी थे, श्री मुरारी बापू और भागवत जी, तो मोहन भागवत जी ने एक कहा कि अब तक बहुतों ने बहुत कुछ राम जी के विषय में केवल कहा ही कहा है, करके कोई नहीं दिखाया। अब कहने का समय समाप्त हो गया, इसलिए अब करके दिखाने की बात सामने आ रही है, प्रतीत हो रही है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। इसी शैली में भागवत जी ने कहा है, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद मैं देता हूँ और शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि ये जो कहे हैं, इसको श्री राम जी के मंदिर नव्य भव्य बनाने की दिशा में जल्दी से जल्दी आगे कदम बढ़ाएं। अभी जो बात बन रही है ये सामयिक है और ये केवल मोहन भागवत जी की जो मंतव्य है, ये सारे धर्माचार्यों का विचारधारा है, सारे संतों का और सारे राम भक्तों का विचारधारा है, सामयिक विचारधारा, पूरे राष्ट्र की विचारधारा है। क्योंकि श्री राम जी राष्ट्रनायक थे, इसलिए उनका राष्ट्रीय स्तर पर सबके चिंतन में जो बात है वो मोहन भागवत जी के मुख से कहा कही गई है। इसको करके दिखावें, ये हम लोगों की शुभकामना, मंगल कामना भागवत जी के साथ है। वही दूसरी ओर श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है, राम मंदिर निर्माण किसी पार्टी से मतलब नहीं, राम जी जब चाहेंगे मंदिर निर्माण हो जाएगा। अध्यात्म शक्ति को बढ़ाना होगा, जिससे दूसरे देशों को शिक्षा दे सके। आध्यात्मिक शक्ति से भारत विश्व गुरु हो सकता है। उदयपुर में देखिए, ऐसा है कि संघ प्रमुख माननीय श्री मोहन भागवत जी निश्चित रूप से परम राष्ट्र भक्त हैं, किंतु राम का नाम भी जपना है, राम का काम भी करना है। उनका इशारा ये है कि अभी तक हम लोग राम का नाम तो जपते रहे, लेकिन राम के आदर्शों पर नहीं चले, और अब समय है कि राम का नाम भी जपा जाए और राम के आदर्शों पर भी चला जाए, जय श्री राम भी बोलते रहे और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो आदर्श चरित्र है, अनुकरणीय चरित्र है, उस पर हम चल के और पूरे विश्व को एक जो है एक दिखाएं कि मानवता इसे कहते हैं। और राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। राम मंदिर, जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन आप समझ लीजिए कि भारत की छवि जो धूमिल हुई है मुगल काल में या चाहे अंग्रेजों के काल में, वो धूमिल छवि पुनः से जो है तो प्रतिष्ठित हो जाएगी और वो कालिमा मिट जाएगी। और राम, प्रभु श्री राम का आदर्श, आज भी राम सेतु का जिक्र जहाँ विदेशों में हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
के जो है चरित्र का अनुकरण जो है इस्लामिक कंट्रियों में करने का लोग प्रयास कर रहे हैं कि यदि मानवता को जो है स्थापित रखना है तो राम के आदर्शों पर चलना है। तो माननीय श्री मोहन भागवत जी ने जो इशारा किया है वो उनका यह है कि राम का नाम नहीं जपना, ऐसा नहीं, राम का नाम तो जपना ही है, लेकिन राम के जो चरित्र है, राम का जो आदर्श है, उधर भी चलना है, जिससे हमारे देश में रेप और करप्शन जैसे घिनौने जो कुकृत्य हो रहे हैं आए दिन, जिससे हमारे राष्ट्र की छवि, हमारी संस्कृति धूमिल हो रही है, ये जो है ऐसा न हो और भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है वो फिर से उसका अभ्युदय हो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए वो नेता हैं, अपने अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन राम के नाम से जो शक्ति है वही उनके रूप में है, उनके धाम में है, उनके लीला में है। ये चार प्रकार की शक्तियाँ राम की हैं, जिसमें लीला, धाम और नाम, ये चारों हैं। इसलिए वो अपने अपने ढंग से भाषा बोलते हैं। राम में नाम में शक्ति है, उनके लीला में शक्ति है, उनके रूप में शक्ति है, उनके धाम में शक्ति है। इसलिए अपने अपने ढंग से कह रहे हैं। यही रही बात राम मंदिर का, तो राम मंदिर तो रामलला की इच्छा होगी तभी बनेगा, और किसी नेता, किसी संगठन या किसी पार्टी के से कोई मतलब नहीं है। रही बात की देश के विकास का, तो देश के विकास किस रूप में हो, और हमारा देश जो पहले विश्वगुरु रहा वो अध्यात्म शक्ति से रहा। अध्यात्म शक्ति जो है वो इस प्रकार से होती है कि सारी शक्तियाँ उसके सामने गौण हो जाती हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में वाल्मीकि रामायण उदाहरण है कि तमाम शक्तियों को एकत्रित करके, और वशिष्ठ जी की नंदिनी नाम की जो गाय थी उसको लेने के लिए विश्वामित्र जी उनसे युद्ध कर दिए, लेकिन एक ही ब्रह्मदंड से उनके सारे शस्त्र नष्ट हो गए, और परिणाम ये हुआ कि वो विजयी नहीं हुए, हार गए, और उनको कहना पड़ा कि एक ही ब्रह्मदंड ने सर्वाण स्थान हतान में, एक ही ब्रह्मदंड ने मेरे सारे शस्त्रों अस्त्रों को विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए यदि विश्व गुरु के रूप में होना है तो आध्यात्मिक चेतनाओं को जगाना पड़ेगा, और आध्यात्मिक चेतना में जो शक्ति है वो किसी प्रकार के शक्ति में नहीं है। भौतिक शस्त्र अस्त्र के अपेक्षा आध्यात्म शक्ति की बहुत अति आवश्यकता है। यदि आध्यात्म शक्ति पूर्णतया विकसित हुई तो हम सारे विश्व में अपने शक्ति का प्रदर्शन और दूसरे को भी शिक्षा दे सकेंगे। और जो कहा जाता था कि हमारा देश विश्वगुरु रहा, वो पुनः विश्वगुरु हो सकता है, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्ति से ही विश्वगुरु रहा और उसी से विश्वगुरु बन सकता है। और धन और संपत्ति के दृष्टि से कहा जाता था कि यह जो भारत है वह सोने की चिड़िया है, तो वह लुटेरों ने बहुत कुछ लूटा, फिर भी आज हमारी शक्ति शेष है, शक्ति को जगाना है, और जो कुछ भी विकास करना है वो अध्यात्म के दृष्टि से किया जाए, साथ ही साथ अध्यात्म शक्ति के माध्यम से विश्व गुरु का रूप ये देश ले सकता है। और जहाँ नेता लोग अपनी अपनी भाषा बोलते हैं वो उनकी अपनी भाषा है, लेकिन वास्तविकता जो है वो हम अपने ऋषि महर्षियों के उन चरित्रों का और उनके शक्तियों का अध्ययन करें, जिससे कि यह हमारा देश विश्व स्तर पर स्थापित हो सके। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट।